एक खुशी का माहौल है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ स्टेडियम में तशरीफ ला रहे हैं और जिन्होंने जो हमारा मैनिफेस्टो है कल वो ही लॉन्च करेंगे और जो हमारे 10 साल का गैप रहा है इस 10 साल को गैप को पूरा करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। एक कार्यकर्ता है 50,000 से ऊपर उनका खिताब करेंगे वो, हमें इतना खुशी है, इतना खुशी मिलेगी बहुत से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, हमने 19 कैंडिडेट यहाँ हमने उतारा था। अभी लोगों को एक खुशी का माहौल है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ स्टेडियम में तशरीफ़ ला रहे हैं और जिन्होंने जो हमारा मैनिफेस्टो है कल वो ही लॉन्च करेंगे और जो हमारे 10 साल का गैप रहा है इस 10 साल को गैप को पूरा करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत कम हुई है 10 सालों में। प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनके आने से एक किस्म का लोगों में विश्वास बढ़ेगा और जो मोदी जी स्टेज पर कहेंगे वो उनको ज़रूर लागू करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से हमें इस मुसीबत में, कभी मिलिटेंसी थी यहाँ, कभी यहाँ हालात ख़राब थे, जम्मू कश्मीर ने काफ़ी सफ़र देखा है यहाँ मिलिटेंसी में, कोरोना में, अब 10 साल का गैप ही रहा है जी सियासत में और असम्बली बनने में, तो उस 10 साल के गैप को डेवलपमेंट के या बढ़ती हुई बेरोजगारी, आज भी हमारे PhD MSc लड़के बैठे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जारी है। मैं मोदी साहब से यही अपील करूंगा, सभी लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे, कल एक मैनिफेस्टो जो मोदी साहब रखें उनमें ये चीज़ें ज़रूर उनको कहनी चाहिए, क्योंकि हमारी बढ़ती हुई बेरोजगारी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए। हमें आज ये खुशी है, आज मेरे ख्याल से पावर बिजली फ्री हो जाएगी कश्मीर में। और आपको लगता है लोगों की एक भारी भीड़ प्रधानमंत्री को देखने आएंगे शेरे कश्मीर स्टेडियम? जी ये यहाँ भीड़ आ जाएगी, तकरीबन 50,000 से ऊपर आ जाएगी, कार्यकर्ता आ जाएगी 50,000 से ऊपर। और भाजपा कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आ? बहुत खुशी है। आज तो पहला मरहला चल रहा था साउथ कश्मीर में, बहुत खुशी है हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए थे यहाँ, कि आज हम वर्करों से वो मिलेंगे हैं, आज वर्करों के साथ आज बात करेंगे वो। आपको आशा है कि वादी के पूरे ज़िलों से लोग आएंगे मोदी जी को सुनने? लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मोदी जी का ये लोगों का टेस्ट डोज है, क्योंकि पहली बार BJP जम्मू कश्मीर में आ रही है। अगर सत्ता में आएगी तो कल जितना भी डेवलपमेंट होता है सेंटर से ही होता है, जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से ही आएगा, जितना भी कानून पास होता है सेंटर से होता है। अगर मोदी साहब BJP आती है तो BJP को ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि 10 साल का काफ़ी गैप होता है, 10 साल से हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे जो बढ़ती हुई उनकी डेट ऑफ बर्थ भी जारी है, और 5 साल का हमें वो गैप देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की 5 साल एवरेज उम्र होगी है वो वापस 5 साल देना चाहिए, ताकि हमारा हम फिर से उस डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे और बढ़ती हुई बेरोज़गारी को आगे ले जाएंगे, यहाँ का मोल ठीक होगा, हमारा भाईचारा हिंदुस्तान के साथ रहेगा और एकता में हम मजबूत रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख हम मिलकर यहाँ रहेंगे। मगर यही हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमारी होनी चाहिए, काफ़ी हो भी चुकी है। हम कहते हैं कि मोदी साहब कल ये भी ऐलान करना चाहिए कि खन्नाबल में हमारा एयरपोर्ट होना चाहिए, बारामूला में भी एयरपोर्ट होना चाहिए, काजीगुंड से लेकर बारामूला तक ये हमारी मेट्रो रेल होनी चाहिए, कि जहाँ जहाँ हमारी डेवलपमेंट रुकी है वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि दुनिया पूरे हिंदुस्तान को पता लगे कि एक सिंबल यहाँ की स्टेट बने, एक नमूना पेश करे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक नमूने की तौर इसको पेश कर सकती है। कल आ जाएंगे यहाँ जनसंघ में जितने कार्यकर्ता है 50,000 से ऊपर उनका खिताब करेंगे वो, हमें इतना खुशी है, इतना खुशी मिलेगी बहुत से ज़्यादा।
क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, हमने 19 कैंडिडेट यहाँ हमने उतारा था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी सरकार होगी। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले श्रीनगर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह श्रीनगर पहुंचेंगे और शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक मेगा चुनाव रैली से खिताब करेंगे। इस चुनावी रैली का मकसद भाजपा के 19 कॉन्टेस्टेंट्स का मनोबल बढ़ाना है। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली।